जय श्री राम दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप सभी लोगों को बताने वाला हूँ कैसे आप किसी भी व्यक्ति के बैंक अकाउंट में मनी ट्रांसफ़र कैसे कर सकते हैं, चाहे उसका बैंक अकाउंट किसी भी अन्य बैंक अकाउंट में क्यों ना हो, वो प्राइवेट हो या सरकारी हो। तो मैं आपको बताऊंगा कैसे आप उसमें ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो इसके लिए दोस्तों आपको करना क्या है, आपको इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखना है ताकि आप कोई भी स्टेप मिस ना कर दें। और हाँ दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल अतरंगी टैक्टिक्स पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को ऑन करने के बाद ऑल पे सेट कर लेना ताकि आपको ऐसी ज्ञानवर्धक वीडियो देखने का मौका मिलता रहे। सबसे पहला दोस्तों आपको करना क्या है, आपको अपने स्मार्टफोन में योनो एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद दोस्तों आपको लॉगिन हो जाना है। लॉगिन के बटन पर आप क्लिक कर देंगे, उसके बाद दोस्तों जो भी आपका यूज़र नेम और पासवर्ड होगा वो फिल करने के बाद आप लॉगिन हो जाएंगे। लॉगिन हो जाने के बाद दोस्तों आपके सामने कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। उसके बाद दोस्तों आपको करना क्या है, यहाँ पे योनो पे का एक ऑप्शन दिख रहा होगा, उस पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको एक क्विक ट्रांसफ़र का ऑप्शन दिख रहा है, जिसमें कि आप दोस्तों एक बारी में 25,000 रुपये ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे दो ऑप्शन आएंगे, इसमें पूछा गया है कि जिस भी व्यक्ति के आप बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करना चाहते हैं उसका बैंक अकाउंट SBI में है पहले वाले ऑप्शन में, लेकिन दूसरे वाले ऑप्शन में है कि जिस व्यक्ति का अकाउंट किसी अन्य बैंक अकाउंट में, यानी कि SBI में नहीं है लेकिन किसी और अकाउंट में है, चाहे प्राइवेट हो या सरकारी। तो यहाँ पे दोस्तों मैं आपको डेमो के लिए बता दूँ, यहाँ पे मैं SBI का करके बताने वाला हूँ, लेकिन मैं आपको अदर बैंक का भी एक बार करके बता देता हूँ। तो यहाँ पे आप अदर बैंक के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे दिख रहा होगा कि आप यहाँ पे जितने भी आपके अकाउंट में पैसे हैं वो यहाँ पे दिख जाएंगे, आपका अकाउंट नंबर यहाँ पे दिख जाएगा और आपका जौन सा भी अकाउंट टाइप है वो आपको सामने दिख जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों आपको करना क्या है, यहाँ पे आपको उस व्यक्ति का नाम, उस व्यक्ति का अकाउंट नंबर और दोबारा उस व्यक्ति का अकाउंट नंबर यहाँ पे फिल कर देना है। उसके बाद दोस्तों आप पासबुक में से IFC कोड यहाँ पे फिल कर देंगे। और यहाँ पे दोस्तों आपको एक बार बताऊँ, अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख के किसी व्यक्ति को मनी ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो यहाँ पे डेमो के तौर पे मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे आप पहले टिक कर देंगे सेंड 1 रुपीज़ एज अ टेस्ट अमाउंट, क्योंकि आप जब भी कुछ भी गलती हो सकती है तो इसलिए आप पहले 1 रुपये उसके अकाउंट में डाल के चेक कर लेंगे कि पैसे आते हैं या नहीं आते हैं। उसके बाद दोस्तों आप यहाँ पे रिमार्क पे कुछ भी डाल के नेक्स्ट कर देंगे। उसके बाद दोस्तों बात आती है मुद्दे की, तो यहाँ पे दोस्तों मैं आपको एक डेमो करके बता देता हूँ SBI का। यहाँ पे सेम वैसा आ जाएगा, यहाँ पे आपको उस व्यक्ति का नाम, अकाउंट नंबर और दोबारा अकाउंट नंबर फिल कर देना है, और जितनी यहाँ पे अमाउंट नंबर है वो आपको यहाँ पे अमाउंट है वो आपको फिल कर देनी है। तो यहाँ पे दोस्तों मैंने यहाँ पे सारी डिटेल भर दी है। तो उसके बाद दोस्तों यहाँ पे क्या कर देना है, आपको अमाउंट भर देनी है, यानी कि जिस भी व्यक्ति में अकाउंट में आप जो भी मनी ट्रांसफ़र करना चाहते हैं वो आप यहाँ पे लिख देंगे, चाहे 5,000 हो 10,000 हो, लेकिन यहाँ पे 25,000 तक की सीमा है तो आप उतना ही सेंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बताता हूँ एक डेमो के तौर पर, यहाँ पर मैं सेंड 1 रुपीज़ एज अ टेस्ट अमाउंट पर क्लिक कर दूँगा तो उस व्यक्ति के अकाउंट में मेरे अकाउंट से 1 रुपये ही जाएगा, ये मैं आपको बता रहा हूँ। बाकी अगर आपको नहीं करना चाहते ऐसे तो यहाँ पे डायरेक्ट आप जितनी भी अमाउंट लिखना चाहते हैं वो यहाँ पे आप लिख देंगे। उसके बाद दोस्तों रिमार्क भरने के बाद आप नेक्स्ट कर देंगे। तो यहाँ पे दोस्तों मैं 2500 रुपये मेरे अकाउंट में इतना नहीं भरना चाहता, तो यहाँ पर मैं 1 रुपये ही टैश करके यहाँ पर रिमार्क भर दूँगा कुछ भी। तो यहाँ पर दोस्तों सब कुछ फिल करने के बाद यहाँ पर आपको नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर देना है। तो उसके बाद दोस्तों दोबारा यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि आपने क्या एक बार प्रीव्यू दिखा देगा, तो यहाँ पे आपको दोबारा नेक्स्ट के बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करेंगे उसके बाद दोस्तों जो आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर एक OTP आएगा। OTP आने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर सबमिट कर देना है। उसके बाद दोस्तों सबमिट के बटन पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर जैसे कि देख पा रहे होंगे यहाँ पर जो मैंने मनी ट्रांसफ़र किया है वो यहाँ पर आपके सामने आ जाएगा, तो आप चाहे तो इसका एक स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या आपके सबूत के लिए काम आएगा। तो दोस्तों बस आज की वीडियो में इतना ही। आई होप दोस्तों आप भी मनी ट्रांसफ़र करना सीख गए होंगे योनो एप्लीकेशन के थ्रू। अगर आप सीख गए हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अगर आप दोस्तों अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।